जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग जी। शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक है और आफियत के साथ हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपके साथ हलवे की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप देखते रहें। यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन बड़ा पतीला लिया है, उसमें हमने ऐड की है तकरीबन 1 किलो हमने जो है इसमें घी ऐड किया है और 1 किलो ही हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। जैसे ही घी गर्म हुआ है और हमने उसके अंदर सूजी जो है वो ऐड कर दी है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग इंजॉय कर सकें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जी हलवा सूजी जो है हमारी माशाल्लाह से कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम इसको मज़ीद जो है अच्छे से जो है इसको भून लेंगे घी के अंदर और मुसलसल आप लोगों ने चम्मच जो है वो चलाते जाना है और रुकना नहीं है। और जब तक आप लोग सूजी का कलर मज़ीद चेंज नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें और आप लोग इंजॉय कर सकें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज चूँकि हम लोगों ने नियाज जो है दिलाई थी माशाल्लाह से, तो आज हमने जो है हलवा बनाया था तकरीबन 1 kg के करीब। जैसे कि 1 किलो सूजी होती है उसमें ऐड करते हैं तकरीबन 1 किलो घी। जितनी सूजी होती है मिकदार में उतना ही हमें घी लेना होता है। और जैसे कि 1 किलो सूजी है तो हमने 1 किलो घी लिया है और जो चीनी हम लेंगे वो इसमें 2 किलो ऐड करेंगे। 1 किलो सूजी में 1 किलो घी ऐड करते हैं और 2 किलो चीनी ऐड करते हैं, मतलब चीनी डबल होगी और पानी जो है हम ऐड करेंगे जो वो 4 गुना होगा। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 प्याली हमने सूजी ली है, 1 प्याली ही हम घी की लेंगे और 2 प्याली हम चीनी की लेंगे और 4 प्याली हम पानी की लेंगे। कुछ लोग बराबर ही पानी ऐड करते हैं बट वो हलवा जो है वो हमें पसंद नहीं आता है। हम लोग जो है पूरियों के साथ लेसदार हलवा, जैसे हलवाई की दुकान पे बनता है उस तरह का हलवा हमें पसंद है। कुछ लोग जो है भून कर बहुत ही ड्राई और कम पानी में सूजी जो है तैयार करते हैं, वो हलवा ऐसा हमें पसंद नहीं आता है। हमें ज़्यादा लेसदार पूरी वाला हलवा जो है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से सूजी चूँकि हमारी अच्छे से ब्राउन हो रही है और मज़ीद हम 1 मिनट और इसको ब्राउन करेंगे और इसी दौरान ही हम इसके अंदर सूजी के ब्राउन होने के दौरान ही हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, इलायची। तो जी प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए ये फूड कलर है, लेमन कलर है ये भी हलवे में हम लोग ऐड करेंगे। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं सब्ज़ इलायची और इलायची जो है आपने साबुत ही इसमें ऐड करनी है, जस्ट उसे खोलना है। कुछ लोग जो है इलायची का पाउडर यूज़ करते हैं लेकिन हमें जो है इलायची वैसे ही साबुत पसंद लगती है और उसकी देखने में भी खुशबू आती है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आज की, हलवा पूरी की रेसिपी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं।
पूरी जो है उसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर नहीं की है, हमने जस्ट हलवे की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जी, हलवे का कलर जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत कलर जो है निकल आया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची, जो कि 10 से 12 दाने हमने लिए हैं, जिसको हमने खोल के रख लिया है। अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसमें सब्ज़ इलायची जो है वो ऐड करेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने देख लिया है, माशाल्लाह से हमने सब्ज़ इलायची जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हम अच्छे से जो है मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, भून लेंगे, और इसके साथ ही साथ जो है हमने देखना है कि हलवे की जो कलर है वो कैसा, सूजी का कलर कैसा निकला है, उसके मुताबिक ही हम इसमें फिर ऐड करेंगे फूड कलर। इसी दौरान ही हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। तो जी माशाल्लाह से हमारा जो सूजी है वो बहुत ही अच्छे से हमने इसको भून लिया है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको ब्राउन कर लिया है। डार्क ब्राउन नहीं किया है, लेकिन लाइट ब्राउन है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करना है फूड कलर। तो जी प्यारे व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, या मतलब क्वार्टर टी स्पून के करीब ही हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। इस तरह मुसलसल चम्मच जो है मज़ीद हम हिलाते रहेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद थोड़ा सा और फूड कलर, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा कम लगा है, हमने इसमें मज़ीद थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है करेंगे इसको ब्राउन। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चूँकि काफ़ी हद तक जो है चेंज हो चुका है। सूजी भी हमारी भून के तैयार हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, और फूड कलर जो है येलो येलो वो भी हमें नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़े की हलवे की रेसिपी है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आज यहाँ हम लोगों ने नियाज दिलाई थी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, हम लोगों ने नियाज दिलाई थी। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी, जैसे ही हमने पानी ऐड किया है, कलर जो है जो हमने इसमें ऐड किया था उसने अपना कलर छोड़ दिया है। येलो कलर जो है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर जो है हलवे का आएगा इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे। अभी हम मज़ीद इसमें और पानी ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करने वाले हैं शुगर, चीनी। तकरीबन 1 किलो सूजी है, उसमें हम 2 किलो जो है चीनी ऐड करेंगे, और 4 किलो हम पानी ऐड करेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, इसको हमने मुसलसल जो है इसका चम्मच हिलाते रहना है, ताकि नीचे ये जो सूजी है ये नीचे ना लगे। इस तरीके से आप लोगों ने मुसलसल इसको हिलाना है। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है जो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हलवे की मज़ेदार सी रेसिपी है आज। तो माशाल्लाह से आज हमने आप लोगों के साथ हलवे की रेसिपी शेयर की है। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें और आप लोग इंजॉय कर सकें। तो जी प्यारे व्यूअर्स, हमने मज़ीद थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से जो है हम हिलाएंगे और अच्छे से जो है हम इसको पानी खुशक करेंगे। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमने इसका मुकम्मल तौर पर पानी जो है खुशक कर दिया है। अब ये बिल्कुल दम पे करीब है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ये तमाम बादाम और खोपरा जो कि हमने काटा है, वो हम इसके ऊपर अब करेंगे ऐड इस तरीके से।
तो जी प्यारे व्यूअर्स, इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड करना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये आज की हलवे की। तो जी प्यारे व्यूअर्स, अब हम इसको लगाएंगे दम जस्ट 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम चूल्हा कर देंगे बंद। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की आज हलवे की रेसिपी है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ प्यारे व्यूअर्स, आप लोग हमारे चैनल कुक विद टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली ये मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग एंजॉय कर सकें। आप लोग देख सकते हैं पूरी और चने की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि टाइम कम था। आज सिर्फ हलवे की जो है रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।